फटी टांग फटी धोती और कानपुर एसएसपी की गाड़ी के आगे रोती हुई लाचार मजबूर गुड़िया। ये नजारा है कानपुर पुलिस की बेशर्मी का। गुड़िया इस समय कानपुर एसएसपी को अपनी व्यथा बताने आई है, वो एसएसपी को उनकी पुलिस की बेरहमी भी बताने आई है। गुड़िया की 15 साल की नाबालिग बेटी को एक महीने पहले ठाकुर नाम का व्यक्ति उठा ले गया था, जिसकी चकेरी पुलिस ने एफआईआर तो लिखी, लेकिन जांच करने वाली पुलिस उससे बेटी खोजने के नाम से 2,500 का डीजल जबरन भरवाती रही। हैरानी तो यह है कि उसकी बेटी फिर भी बरामद नहीं की, उल्टा उसको चौकी से भगा भी दिया गया। पुलिस की इस कारगुजारी को बड़े अफसरों तक पहुंचाने के लिए वो सोमवार को एसएसपी दफ्तर पहुंची। एसएसपी से उसने बड़ी मासूमियत से यही कहा कि साहब, झूठ नहीं बोलूंगी, पुलिस को पैसा नहीं दिया, केवल 3-4 बार इधर उधर से मांग कर उनकी गाड़ी में डीजल भरवाया। आप खुद सुनिए घूसखोर पुलिस की हकीकत। बाबू, पुलिस वाले कहते डीजल डराओ अब तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे, अब नहीं कहेंगे चल यहाँ से, कहेंगे ऐसे गाली देते। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोले, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है बाबू। हम 3-4 दिन गाड़ी अकबरपुर अभोगनी सामान दौड़ा, 3-4 दिन डीजल भरा, 10 मांग मांग के बउआ जोर जोर के, हम दूसरे से कर्जा काड़ो रहा काड़ दी नहीं नंदोई से, फिर वही के मांग मांग पटा हुआ बउआ हमने। कितना पैसा दे चुकी है आप? पुलिस वाले ने का नहीं दी ना, डीजल तेल का दी ना बाबू। हाँ, गाड़ी पता नहीं कहाँ से लाल गाड़ी लाए रहे करके गाड़ी लाए रहे। हाँ, पुलिस हमारे लड़का के साथ गिरा है। बताओ है बाबूजी, बाबूजी से कहो है कि बाबूजी डीजल तेल का पैसा मांगा थे, हम 10-15 हज़ार हमारा खर्चा होगा, डूबड़े में अब हम कहाँ से दें, हमारे आदमी ने मरेगा खत्म होगा, लड़का दौड़ा हुआ है, अबे 3 बिटिया भी हमें पाए एक लूला मार। गुड़िया की 15 वर्ष की बेटी को उसका एक रिश्तेदार ठाकुर अपने कई लोगों के साथ रास्ते से उठा ले गया था। गुड़िया का कहना है ठाकुर शादीशुदा है फिर भी मेरी बेटी को उठा ले गया, उसके बारे में उनके घर वालों को पता है। कायदे से पुलिस को खुद अपनी गाड़ी से लड़की की तलाश करनी थी, जिसका उसे बजट भी मिलता है, लेकिन मुफ्तखोरी की लत से मजबूर दरोगा गरीब माँ से ही डीजल भरवाता रहा। गुड़िया जब अपनी शिकायत लेकर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह के यहाँ पहुंची तो अपनी पुलिस की बेशर्मी से हटकर एसएसपी ने मानवता दिखाई। उन्होंने पुलिस को तुरंत गुड़िया की बेटी को ढूंढने का आदेश दिया और खुद अपने स्क्वाड से गुड़िया को 6 किलोमीटर दूर चकेरी थाने भिजवाया। अधिकारियों का कहना है कि महिला की बेटी को बरामद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस पर जो आरोप है उसकी जाँच करके कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इस संबंध में अभी गुड़िया ने कंप्लेंट डीआईजी साहब के समक्ष किया है। इस पे डीआईजी साहब ने तुरंत त्वरित एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉर्ट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जाँच कराई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये कहानी सिर्फ गुड़िया की ही नहीं है, ये कानून का राज करने वाली पुलिस की बगैरत हकीकत है जो अमूनन थाना स्तर पर अक्सर पीड़ितों के साथ अंजाम दी जाती है। बस अफसोस इस बात का है कि इस दौरान पुलिस कमजोर गरीब महिलाओं की स्थिति का भी ख्याल नहीं रखती। कम से कम इतनी मानवता तो दिखानी थी, आखिर बेटी को बरामद करना पुलिस की खुद की जवाबदेही होती है। बाबू, हमारे ससुर के भाई के लड़के हमारी लड़की को किडनैप कर लेंगे, अब बता नहीं रे क्या क्या नहीं। अब लड़का शादीशुदादार है, 7 तारीख के निकलिए, 7 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू। सवान गैन बाबू थाने गैन और जोगी के पास गैन ना खिलाऊ, मैं लेडीज का दही के हाथ बाबू हमारे को उठाने सुना दे मैं करा भी पकड़ रहे भी पकड़ रहे। हमने बोला इसके माँ बाप आएंगे, इसको पकड़ लो, इसको हड़काओ डांटो तो वो लड़का आ जाएगा। हमने लड़के से बोला तेरी माँ जेल में बंद है, कह रही नहीं मेरी माँ नहीं बंद है, वो सब एक में है बाबू। थाने में क्या कहा? थाने में कहा क्या लेनी है, क्या लेनी है, तू रीस भगा देती।